वही आप देख रहे हैं किस तरीके से आसाम में चल रहा है, एनआरसी की आड़ में वही हमारे यूपी बिहार राजस्थान के भाई बहन को टारगेट किया जा रहा है। अति तो ये हो जाती है भाइयों बहनों कि 121 करोड़ की देश की जनता में से अमित शाह जी 100 करोड़ को घुसपैठिए बता देते हैं। ये तो आलम है इस सरकार का। और ये भी नहीं भूलना चाहिए किस तरीके से, क्यों इस तरीके का माहौल आज गुजरात में पनप रहा है। ये विजय रूपाणी जी हैं जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने कहा था जैसे ही फिर से इनको सत्ता मिलेगी तो 20% से ज्यादा जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें यूपी बिहार और राजस्थान के लोगों को नौकरियां नहीं दी जाएंगी। 80% वहां की जनता के लिए रखी जाएंगी, 20% से ज्यादा, भले ही वो कितना मेहनती हो, ईमानदार हो, योग्य हो, पर उनके लिए जगह